मुबारकबाद। और सरफ साहब से इजाजत लेते हुए सीधे सीधे अपनी बात पे आती हूँ। चार मिसरे में अपने नाम, जो मेरा नाम है वंदना वर्मा अनम, मैं अनम कैसे हूँ वो बताती हूँ। सुनिए कि जब बहारों ने गीत गाया है, जब बहारों ने गीत गाया है, फूल शाखों पे मुस्कुराया है, जब बहारों ने गीत गाया है, हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल तरीन शायरा मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम साहबा और आपका बहुत ही प्यारे शायर अदीब और हिंदुस्तान के अदबी सफे पर आता हुआ प्यारा नाम डॉक्टर आदित्य रंजी साहब का शुक्रिया है। चांदनी शबनम साहिबा और उत्तर बेगा पूरी साहबा दोनों साहबाद का बहुत स्तर पर आ जाइए, जब मैं खो जाइए जाइए आप आपका इंतजार कर रहा है। हाजी माजी गोबंदी साहब के जब स्वागत, एक बार ताली बजा कर इजाजत दे मंच पर, स्वागत हार्दिक स्वागत आप लोगों का कि आप आकर हमारे मुशायरे की रौनक को बढ़ाया। आजम सिद्दीकी साहब और तबारक हुसैन इदरीसी साहब दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया कि आप तो रुखसार साहबों को, चांदनी साहबों को और डॉक्टर माजी दुबंदी साहब को दाइस तक आप लाए। अब आप इस्तकबाल कीजिए वंदना वर्मा अनम साहिबा का। आजम भाई बहुत शुक्रिया। जब बहारों ने गीत गाया है, फूल शाखों पे मुस्कुराया है, जब बहारों ने गीत गाया है, फूल शाखों पे मुस्कुराया है, मीठी उर्दू जबान ने मुझको, मीठी उर्दू जबान ने मुझको वंदना से अनम बनाया है। और आप सबकी नजर की आंख में जो सुरूर तुमसे है, आंख में जो सुरूर तुमसे है, दिल का रिश्ता जरूर तुमसे है, आंख में जो सुरूर तुमसे है, दिल का रिश्ता जरूर तुमसे है, जब से आए हो जिंदगानी में, जब से आए हो जिंदगानी में, मेरे चेहरे पे नूर तुमसे। अगर इनम साहब की शायरी अच्छी लग रही है तो पुरजोर इस्तकबाल कीजिए तालियों से और उन्हें इजाजत दीजिए कि सुना सके। शुक्रिया। जो सुरूर तुमसे है, दिल का रिश्ता जरूर तुमसे है, जब से आए हो जिंदगानी में, जब से आए हो जिंदगानी में, मेरे चेहरे पे नूर तुमसे है। और गजल का मतलब और कुछ अशआर देखें कि पलकों पे मेरी ख्वाब सजा कर चला गया, पलकों पे मेरी ख्वाब सजा कर चला गया, गम को मेरा नसीब बनाकर चला गया, पलकों पे मेरी ख्वाब सजा कर चला गया, गम को मेरा नसीब बनाकर चला गया। और ये भी शेर देखिए कि रोशन जमाले यार से है, रोशन जमाले यार से है, अब तलक ये दिल, रोशन जमाले यार से है, अब तलक ये दिल, दिल में जरा जला कर चला गया। बहुत अच्छा। और ये शेर देखिए कि मुद्दत हुई थी, मुद्दत हुई थी वो आया था इकरार खाब में, मुद्दत हुई वो आया था इकरार खाब में, फिर क्या था सारी नींद उड़ा कर चला गया। बहुत अच्छे बात। अली बारा बकवी साहब और काविश रुदेवी साहब दोनों साहिबान का इंतजार, तो दोनों बराबर तशरीफ ला रहे हैं, स्वागत कीजिए तालियों से। और अच्छी शायरी पढ़ रही है मोहतरमा वंदना वर्मा जी साहिबा, इनका भी स्वागत होना चाहिए। मुद्दत हुई वो आया था इकरार खाब में, मुद्दत हुई वो आया था इकरार खाब में, फिर क्या था सारी नींद उड़ा कर चला गया। और ये भी शेर की शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भी शेर देखें कि
रह रह के उठते रहते हैं शोले शबा के, रह रह के उठते रहते हैं शोले शबा के, सीने में ऐसी आग लगाकर चला है। भाई तबारक हुसैन इदरीसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, सईद भाई से गुजारिश है सहाफी के हो जाए तबारक भाई के इस्तकबाल करना। तबारक हुसैन साहब बड़ी मुश्किलों के साथ, दोस्तों मैं पहले ही कहा था कि रास्ता थोड़ा सा बनाए रख के मेहमानों के लिए, तबारक हुसैन इदरीसी साहब का स्वागत करने का कर रहा हूँ। रेत पे घर बनाने वाली थी, रेत पे घर बनाने वाली थी उसकी बातों में आने वाली थी, रेत पे घर बनाने वाली थी उसकी बातों में आने वाली थी, और शेर की ये तो अच्छा कि ख्वाब टूट गया, ये तो अच्छा कि ख्वाब टूट गया, मैं तो दुनिया बसाने वाली थी। मैं तो दुनिया बसाने वाली थी, ये भी शेर की बच गए टूटने से, वरना बच गए टूटने से मैं, वरना इश्क में जान जाने वाली थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी साहब, वाह वाह। ट्रेन ही लेट हो गई वरना, ट्रेन ही लेट हो गई वरना मैं तेरे पास आने वाली थी। और एक दो मुक्तक में तरंगों में से पढ़ूंगी। ये आपको बोल जी जी पेश करें।
बहुत अच्छा।